हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश में मौसम एक बार फिर तलक तेवर दिखाने वाला है, जिससे प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 13 और 14 मई के लिए प्रदेश में अंधड़ व ओलावृष्टि चलने का अंदेशा जताया है और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में 13 और 14 मई को मध्यवर्ती इलाकों में बारिश और ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं मध्यवर्ती इलाकों में अंधड़ और ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार तापमान मई के महीने में पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य से कुछ डिग्री कम चल रहा है और इसके बाद भी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसे मई के महीने में भी गर्मी नहीं सताएगी। उन्होंने बताया कि इस बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल को भी नुकसान हो सकता है। बता दें कि इस बार बेमौसमी बारिश की मार किसानों पर खूब पड़ रही है। हिमाचल में रबी की फसल पककर तैयार हो गई है और इस समय किसान गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं। उस पर लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सदन अप्रोच करेगी 13 तारीख को, उसका इफेक्ट 13 और 14 तारीख को रहेगा। 13 और 14 तारीख को भी हिमाचल प्रदेश के जो फ्यू प्लेसेस एरिया है वहाँ पे बारिश हो सकती है, लाइट बारिश रहेगी। और जो ऊपरी इलाके हैं, हाँ, हाई रिचेज वाला एरिया है, वहाँ पे हल्का हिमपात होने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो टेम्परेचर है उनमें काफी गिरावट रही पिछले अगर 24 घंटे। वार्निंग रहेगी, जो आज के लिए भी येलो अलर्ट रहेगा। येलो जो अलर्ट है वो सिर्फ इसके लिए है, जो लाइटनिंग हो सकती है, हेल स्टॉर्म होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह जो 13 और 14 तारीख को भी येलो अलर्ट है, वो सिर्फ तेज बारिश नहीं होगी लेकिन जो थंडर एक्टिविटी के लिए है, जिसमें लाइटनिंग हो सकती है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, उसके लिए जो है वो येलो अलर्ट दिया हुआ। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं और लो हिल्स वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो है वो वार्निंग दी गई। हाँ, अभी तो जो टेम्परेचर है वो इस बार कम, काफी कम चल रहे हैं। अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़े से कम है, लेकिन इससे पहले 2017 में भी काफी कम जो है वो चल रहे थे टेम्परेचर। जैसे इस साल का है वेदर, इसी तरीके से 2017 में भी ऐसे ही वेदर चल रहा था, बारिश वगैरह चल रही थी, WD की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा थी। तो अभी आने वाले दिनों में भी जो है WD की फ्रीक्वेंसी जो है वो रहेगी, क्योंकि जैसे एक अभी तो करंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रही है, अभी 13 को आएगी, उसके बाद भी जो है वो पॉसिबिलिटी रहेगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की। तो जो मई का महीना है वो इस बार ज्यादा वार्म नहीं होगा। तो इससे जो नहीं है बिल्कुल, अभी जैसे जो खड़ी फसल है, जैसे रबी की क्रॉप है, गेहूं की फसल है निचले इलाकों में, क्योंकि जो हिमाचल में कंपेरेटिवली जो है वो प्लेन एरिया के हिसाब से लेट जो हार्वेस्टिंग होती है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी जो सेब की फसल है, जिसमें अभी फ्रूट जो सेटअप होगा आने वाले दिनों में, तो वहाँ पे भी अगर हेल स्टॉर्म होता है तो उसको थोड़ा नुकसान पहुँच सकता है।